अमर भाई जन निवास सोलर रहेगा वेरी क्यूट सीन जिसमें रमन ने मेरे लिए कुछ अच्छी सी पोएम लिखी है एंड उनकी पोएम पे मेरा रिस्पॉन्स होता है हा 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 क्योंकि वो अपनी पोएम लिख तो चुके हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं खुद सो क्योंकि उनकी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है उनको याद नहीं हो पाई एंड ऑब्वियसली इज नॉट अ पोएट इज अ सीईओ तो पोइट्री इनके लिए बहुत दूर की बात है बट एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया दैट वॉज क्यूट सीन में सिर्फ आप दोनों ही नजर आ रहे हैं बाकी सब कहाँ हैं आज आपके प्यारे मेरे बच्चे हैं आज हम लोग थोड़ा हनीमून मूड में हैं तो हम लोग एक होटल का स्वीट बुक करा के यहाँ पे रह रहे हैं बट बाकी बच्चे वगैरह सब लोग घर जा चुके हैं आगे सीन में रिवील होता है कि बच्चे एक्चुअली घर पहुँचे ही नहीं हैं एंड वहाँ से हमारा पैनिक बटन चालू होता है नहीं नहीं इस बार ऐसा कोई प्लान नहीं है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है तो मैं पानी भी सोच के पीती हूँ कि कहीं इस बार रम्या वोद का तो नहीं है वो क्या है कि हमारे हनीमून पे शनि सवार है शायद तो हमारा बस हनीमून नहीं हो पा रहा है बाकी सब नॉर्मल है बच्चे कहाँ हैं बच्चों का भी अचानक पता चलता है कि दे आर नॉट होम तो हम लोग वहाँ से टेंशन में आ जाते हैं कि अगर घर नहीं है फैमिली वालों के साथ नहीं गए तो वो लोग कहाँ गए और उसके बाद में फिर हम लोग भागते हुए घर पहुँचेंगे एक सीक्वल होने वाला है फायर सीक्वल जब उसमें जलने वाले हैं वो क्या होने वाला है उसमें कौन जलने वाला है कुछ तो वहाँ पता होगा आपको थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो आगे एक बहुत धमाकेदार सीक्वेंस आने वाला है धमाकेदार इज द हिंट दैट्स द हिंट अब वो कैसा धमाका है ऑडियंस हिल जाएगी